dear students, welcome to Push English. I'm back again here with one more classified advertisement, and that is sale and purchase. In my previous video, I have already discussed about situation wanted and situation vacant. I hope you would have liked it. Now, coming up to the sales and purchase column. In this video, I'm going to discuss the essential details, the features that are required to be kept in mind while writing sale and purchase column. To make it little convenient, it has been put under three subheadings. The first is property, the second one is household item or goods, and the third one is vehicle. Okay, so let us see in the examples, and it will become very easier for you to understand it. So let us move on. Let us begin with sale and purchase column. We will study this column under classified advertisement in three subcategories, that is property, vehicles and household items. So let us take it one by one. First, I'll discuss the essential details which are in common with reference to these three. So ye essential details aap tino ke tino kisam ke सब कैटेगरीज में इसको इंक्लूड करेंगे. ये पॉइंट कॉमन है सब में. सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्टेटमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, वो आप शुरू करेंगे विद दिस वर्ड फॉर सेल और फॉर परचेज. और अगर आपको ये इतना इम्प्रेसिव ना लगता हो तो अवेलेबल या वांटेड. अब बहुत डायरेक्ट लिंक है. देखिए, अगर आप चीज़ कोई ख़रीदना चाहते हो तो यू विल राइट डाउन वांटेड, और अगर कोई चीज़ बेचनी है आपने तो आप लिखेंगे अवेलेबल. ठीक है, उसके बाद से आप मेंशन करेंगे कि जो भी व्हीकल आप बेच रहे हो या जैसा भी एकोमोडेशन या प्रॉपर्टी या हाउस होल्ड आइटम है उसके बारे में जिक्र करेंगे वो किस किस्म का है. उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जहाँ पर आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन देना है. फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है कि वो चीज़ कैसी है, अगर वो व्हीकल है तो कौन सी मेड है, कौन से ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर वो फर्नीचर है तो कैसा दिखता है, किस चीज़ का बना है, और अगर वो प्रॉपर्टी या फ्लैट है तो वो कितने बाय कितने का है. ये सारी चीज़ें फिज़िकल डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी. और लास्ट में आप लिखोगे कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, एक एक करके लेते हैं इन सबको. सबसे पहले लेते हैं हम प्रॉपर्टी, जो पहली कैटेगरी है. इसमें प्रॉपर्टी में आपने ध्यान ये देना है कि ये जो कुछ स्पेसिफ़िक डिटेल्स हैं, ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये स्पेसिफ़िक डिटेल्स हैं, ये तीन, ये चारों. और इसको आपने ध्यान ऐसे देना है, एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है कि आपने प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में स्पेसिफाई करना है साइज़, फ्लोर, नंबर ऑफ़ रूम. यानी उस चीज़ का कितना साइज़ है जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, उसका फ्लोरिंग मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है. ठीक है, नंबर ऑफ़ रूम्स मतलब कमरे कितने हैं भाई आपके, टोटल कमरे 3 बेडरूम हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन भी आप दे दोगे. ठीक है, उसी तरीके से फिर आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें यू हैव टू मेंशन फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स. अब ये फिक्चर्स क्या होते हैं? फिक्चर्स होते हैं इंस्टॉलेशन, यानी आपके घर में जो ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से, जो इक्विपमेंट और फर्नीचर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, उनको हम कहते हैं फिक्चर्स और फिटिंग्स. ठीक है, तो इसके बारे में आप ज़रूर जिक्र करेंगे. उसके बाद आप ये बताएंगे कि वो कहाँ लोकेटेड है, सराउंडिंग यानी अगल बगल की चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे. फिर अगर आप बेच रहे हैं तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप कितना प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन लेके चलते हैं. ये क्वेश्चन जो है मैं भी इसका आंसर भी डिस्कस करूँगी. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि आपको अशोक विहार में एक फ्लैट सेल करना है. अब आप एडवर्टीजमेंट लिखिए. ठीक है, तो अब इसके आंसर पर चलते हैं. आंसर है, ये देखिए बच्चों, बॉक्स में ही बनाना है आपने, ये ध्यान रखना है
की बॉक्स रहे और ये फर्स्ट लाइन में रहे। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पहचानते हुए फॉर सेल लिख लें, और अगर ख़रीदना है तो आप फॉर परचेज लिख सकते हैं। तो आप यहाँ चूंकि बेच रहे हैं इसलिए इसने आपने पहला ही शब्द फॉर से लिखा है, वैसे आप लिख सकते थे अवेलेबल, जो कि मैं ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ एसेंशियल डिटेल जब मैं डिस्कस कर रही थी। तो अवेलेबल से शुरू कर सकते हैं। फॉर सेल अशोक विहार DDA फ्लैट, कहाँ पर है, कैसा फ्लैट है, पहले फ्लोर पे है, 2 बेडरूम्स हैं जिनमें से और डिटेल दे दी गई है कि ड्राइंग और डाइनिंग रूम जो है पूरे इंटीरियर्स के साथ हैं। उसके बाद से कार पार्किंग अवेलेबल है, फिर नॉर्थ की तरफ फेस है घर का, मेन मार्केट में लोकेटेड है, रीजनेबल प्राइस है, और कॉन्टैक्ट के लिए ये आपको दे दिया गया पता, यानी ML गोयल, और फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये तो था एक एग्जांपल, और अब चलते हैं आगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हीकल। सेकेंड कैटेगरी जो है वो व्हीकल की होती है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है ये डिटेल्स जो हैं, ये पहले तो आपको मॉडल या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताना है कि वो व्हीकल किस मॉडल का है, कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुआ है। उसके बाद आप बताएंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन अच्छी है, माइलेज क्या दे रहा है वो व्हीकल। उसके बाद उसके कलर बता देंगे, कलर का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और एसेसरीज जो अटैच्ड हैं उससे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फिर आप प्राइस एक्सपेक्टेड या प्राइस ऑफर्ड के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर आपने अपनी मारुति कार बेचनी है और आपको एक सूटेबल सा एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है फॉर सेल कॉलम के लिए इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये उसका आंसर है। तो जिसमें ध्यान आप ये देंगे कि फिर बॉक्स बनाएंगे, इसको आप लिख देंगे, और उसके बाद से जो है आपका तो चलिए बच्चों हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला जो है आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपकी मारुति बिकनी है वो उसका आपने मॉडल जिसे आपने बेचना है उसका मॉडल क्या है, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर ध्यान रखिए कि फॉर सेल है और अवेलेबल। फॉर सेल अवेलेबल एकदम रख लीजिए, जब आप यहाँ फॉर परचेज लिखते हैं तो यहाँ वांटेड आ जाता है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये 800DX है, ये मॉडल है आपका, और ये 2000 जो है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद कंडीशन कैसी है, एक्सेलेंट वर्किंग कंडीशन है, वाइट कलर की है आपकी कार। उसके बाद स्क्रैचलेस है, सेल्फ ड्रिवन यानी खुद आपने चलाया है, ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं गई है, स्पेरिंगली यूज़ मतलब बहुत कम ही यूज़ हुआ है, और इसका एवरेज जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर है। सारे एसेसरीज एकदम इंटैक्ट हैं, और प्राइस आपने जो एक रेंज तय किया है वो है 1.40 लाख का, जिसमें आप कॉन्टैक्ट फिर ये पता आप दे रहे हैं ओनर का, यानी अपना मल्होत्रा जी हैं, और ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे, यानी जहाँ पर हम हाउस होल्ड गुड्स की बात करेंगे। हाउस होल्ड गुड्स में हमें ध्यान ये रख लेना है कि ये कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपने मेंशन करना है ब्रांड नेम कि किस ब्रांड का बना हुआ है, और उसके बाद से आपने मेंशन करना है मॉडल यानी किस मॉडल का है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके बाद किस मटेरियल का बना है, ख़ास करके अगर वो फर्नीचर है तो किस किस्म का फर्नीचर है वो, और टिम्बर जो है वो क्या है, वुड है, सनमाइका है, शीशम की लकड़ी है, किससे फर्नीचर बना हुआ है। उसके बाद उसकी प्रेजेंट कंडीशन बतानी है, उसकी ठीक ठाक हालत में है या नहीं, और उसके बाद लास्ट में आप कोट करेंगे प्राइस ऑफर्ड या एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड फॉर वन एग्जांपल हियर, एंड द एग्जांपल इज़ दैट ऑफ अ टाइपराइटर, जिसमें आपने यू वांट टू सेल योर टाइपराइटर एंड यू हैव टू राइट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द पेपर लोकल डेली एंड फॉर सेल कॉलम के लिए आपने लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर सेल का ये है आपका आंसर, जिसमें आपने ये ध्यान देना है फिर से वही चीज़ की जब आप ये लिखते हैं
तो उस वक्त आप, मैंने बार बार कहा आपसे कि आप शुरुआत जो है बहुत ही इम्प्रेसिव होती है, पहला ही वर्ड बहुत इम्प्रेशन देता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब आप शुरुआत करें तो फॉर सेल से करें या अवेलेबल से करें। तो मॉडल है आपका 1998 मॉडल, उसके बाद से टाइपराइटर कौन सी कंपनी का है, एक तो पोर्टेबल है, दूसरा रेमिंगटन टाइपराइटर है, एक्सेलेंट वर्किंग कंडीशन में है, ब्रांड न्यू लुक है, यानी उसका पुराना लुक नहीं हुआ है, अभी भी देखने में एकदम नया है, और आप जो प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं वो है, ये रुपीज़ होना चाहिए बच्चों, गलती से क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, ये 3000 रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्टेड पार्टीज़ कहाँ आपको कॉन्टैक्ट कर लें, जो है वो आपके पते पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें और स्पेशली आपको, आपने स्पेसिफाई किया है इस चीज़ को कि प्लीज़ इंटरेस्टेड पार्टी सिर्फ वीकेंड्स पर मुझको कॉन्टैक्ट करें। और पता हो गया RC सांगर, 257 हैरिसन रोड, दिल्ली, और टेलीफोन नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, तो विद दिस हाउस होल्ड आइटम का भी ख़त्म हो गया और हमने सेल एंड परचेज कॉलम ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द फीचर्स, द एग्जाम्पल्स, द 3 सब हेडिंग्स, व्हीकल, हाउस होल्ड आइटम्स एंड प्रॉपर्टी। And if at all any doubt is there, please put your doubts in the description box. I'll clarify it then and there. And the next video, just wait for it. I am going to upload matrimonial column and 2 let and accommodation wanted. Goodbye. Yeah.